हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चॉप शॉट। दोस्तों AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट है यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, जूनियर और सीनियर के पदों पे यहाँ पे सीधे फ्रेशर्स एलिजिबल है। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। सैलरी जो है 1,10,000 की अप्रॉक्स बताई गई है। जॉब टाइप परमानेंट रहने वाली है। कौन कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लास्ट तक ध्यान से देखिएगा आप और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, EAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक कैटेगरी मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, और यहाँ पे एयरपोर्ट कोलकाता के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कैंडिडेट कौन कौन एलिजिबल है, जिनका जो है डोमिसाइल वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में जन्मे हुए स्टूडेंट हैं, उनको जो है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, एनी 4 लेवल सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में रिक्रूटमेंट है NE6 के लिए। ठीक है, तो UT ईस्टर्न रीजन के जितने भी आते हैं ये राज्य, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी राज्य के लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एलिजिबल नहीं है। तो कैसे पोस्ट है, क्या है, देख लीजिए। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स NE6 और ये लेवल 4 की है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में। तो ये सब पोस्ट टोटल दी गई हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज वाइज अपने ध्यान से देख लीजिएगा। सैलरी की बात करें 36,000 बेसिक पे से लेकर 1,10,000, और जूनियर असिस्टेंट में जो है 31,000 से लेकर 92,000 तक सैलरी जो है आपकी बनने वाली है। इसके अलावा आपका बेसिक पे DA मिलेगा, पर्क्स है 35% बेसिक पे, HRA और CPF ग्रेजुएटी सोशल सिक्योरिटी सर जो है यहाँ पे मिलने वाली है। तो देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी हो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए, और 2 साल के एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में ग्रेजुएट है तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने BCOM किया है तो काफ़ी अच्छी बात है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स वगैरह सब जो भी है। ठीक है, इसके बाद फायर सर्विस में बात करें तो 10th पास या 3 ईयर आपने अगर रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है, जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोटिव, फायर सर्विस से 50% मार्क के साथ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने जो है 12वीं पास करके रेगुलर करके 50% मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड मिनिमम जो है आपका लाइसेंस है 1 ईयर बिफोर एडवर्टाइजमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है 2 साल पहले का एडवर्टाइजमेंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चीज़ें ध्यान से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, नहीं है तब भी चलेगा। NCC सर्टिफिकेट, EyeSight 6x6, ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपका फायर सर्विस में हाइट भी देखी जाएगी, 167 मांगा गया है फीमेल के लिए, 157, ये सब चीज़ें आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट बताई गई 18 से 30 साल, 5 साल छूट मिलेगी SST को, OBC को 3 साल की छूट मिलने वाली है। अपर एज पे मिलेगा आपको। सिलेक्शन कैसे होगा सभी पोस्ट का, तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, फायर सर्विस का बताया गया है यहाँ पे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा आपका। पार्ट ए पार्ट बी में आपके जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके डिप्लोमा से, उसके बाद 50 क्वेश्चन जैसे जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह से आने वाले हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट में 70 और 30 का है आपके, डोमेन से रिलेटेड जो है 70 आएंगे, बाकी जनरल जो है 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जानते हैं कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका नहीं रहने वाला है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट देखी जाएगी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस वालों का, मेडिकल फिटनेस होगा आपका, इस तरह से आपका चेक किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी जो कि फायर सर्विस से आपकी, मैंने आपको बताया था ना, जैसे रोप क्लाइंबिंग हो गया, 100 मीटर रनिंग हो गया, पोल क्लाइंबिंग हो जाएगा, 60 मीटर रनिंग विथ ह्यूमन डमी के साथ करना होगा, 30 kg वेट का, ये सब चीज़ें हैं। फुल लेडर क्लाइंबिंग है यहाँ पर, सब चीज़ें देख लीजिएगा। फिजिकल एफिशिएंसी मेल कैंडिडेट का कैसे होगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 100 मीटर रनिंग रिक्वायर्ड कम्प्लीट 60 सेकंड फॉर मेल, और जो है यहाँ पे 19 सेकंड जो है आपके फीमेल के लिए मिलेगा, इस तरह से आपके सारे होगा। एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये लगने वाले हैं, और बाकी के जो है सारे सर्विस टैक्स मिला के। और एक बोला गया है कि जूनियर फायर सर्विस के लिए स्टिपेंड जो है ट्रेनिंग के समय आपको 25,000 महीना दिया जाएगा, बाकी परमानेंट होते ही आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने लगेगी। 12-10 से फॉर्म स्टार्ट है, हो जाएगा आपका 10-11 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, नवंबर तक। तो आपके एग्जामिनेशन भी जल्दी आ जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान से भरिएगा, उसी पे सारी डिटेल आपको मिलेगा। साइनअप करना होगा, फॉर्म फिलअप करेंगे,
ठीक है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट जो जो मांगेगा अपलोड कर दीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप अप्लाई कर मतलब कमेंट बताएंगे, ठीक है। देखिए साहब, सब बोला गया ओनली कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, जो भी स्टेट है यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, अंडमान निकोबार आइसलैंड स्टेट, कैन अप्लाई फॉर एबव पोस्ट, और अदर स्टेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या है, मतलब ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि क्या है आपका ट्रेनिंग फॉर्म जो है, क्या स्टेशन पोस्टिंग है, इस तरह से सैलरी आपको जो है मिलने वाली है, देख सकते हैं। ठीक है, चीज़ें बताई गई हैं, सब कुछ जो है यहाँ पे आपको बता दीजिए। देखिए और टेस्ट कहाँ कहाँ होगा आपका, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, रांची, पोर्ट ब्लेयर, गंगटोक में होने वाला है। तो बहुत भीड़ नहीं रहेगी क्योंकि कुछ सेलेक्टेड स्टेट के लोग ही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ज़रूर अप्लाई करिए, कुछ भी डाउट का कमेंट बताएंगे, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को समाप्त करते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।